अब तो ये जाके तो पड़ाके बनाओ और फलाने काम करो, अब मोर भैया गाई कर जाए या मटके बाबा जाना। हम मथुरा से आए, मतलब जहाँ की वो हेमा मालिनी सांसद है आपकी। हेमा मालिनी ना को नचकैया ने ऐसे नु खुश कर वे भाई है मोदी जैसे नु बस नाचते और जन खुश कर दिया। स्मृति ईरानी है बहू ऐसी है, वो तो कलाकार है। हाँ तो ये कलाकार है जिंदाई बनी क्या कहते हुआ कि सोने में बनी कलाकार नहीं है। हेमा मालिनी को दो दो बार बना देता हूँ अपने दो। अरे दो बार तुमने बनाया था, ये हमने नहीं बनाई, तुम्हें जैसे लौड़ा नु बनाई बूढ़े ने। मैंने लगा मोए पूछ तो ईमानदारी से, तब मैंने तो आज तक मोदी है का भाजपा वोट दे ही नहीं। आपके कहने में तो चला, लेकिन आप लोग जैसे लगाए वो भिन्ना रहे जो मोदी 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 हर मोदी घर घर मोदी। आपने हेमा मालिनी को जिताया और जैन चौधरी को हरा दिया, तो हाँ? किसान के बेटे रहे वो, हाँ? उनके वहाँ टाइम पर सब लड़कन जी रखे रही हम की नौकरी लगी, हम पहुंचे आसमान में, जात चलाएंगे हम। वो लड़का आज धरती में पड़े कीच में, आज आप होश में आए गए और सारे ये जिंदगी में बोटून देखो जाए। अच्छा। हाँ गारंटी से कह रहा हूँ मैं। मोदी जी कहते हैं हम तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार तो जान छिनाए लो सब बैठे। शौचालय बनवाए आपके भैया? हाँ शौचालय बनवाए, को प्रधान रखे का घर में बनना है, का बीजेपी के नेता घर में बनना है, किसान रखे घर में का कैमिना बनना है। कह रहे हैं दुगनी कर रहे हैं किसानों की। हाँ दुगनी कर रही। जो पट्टी हमारे हाथ में एक रुपया हम बिलगती गई, वो डॉक्टर को 10 रुपया हम बांधते हैं, दुगनी है गई और का है ये। बहुत नाराजगी है मोदी सरकार से। मोदी सरकार से नाराजगी? मैं तो अगर मेरी बात नहीं कहूँ चल जाए तो जिन जिंदगी पर जन्म लेवे को जीवे को अधिकार भी नहीं। तो आपको गैस तो मिल रही होगी मुफ्त में? हाँ बहुत जोर से मिल रही है, गैस इतने चल रही है, धुआं हो तो रहे तो गांव में गैस को। लकड़िया बीन पे पाए गई जनानी, चौक छोटे वर्ग की मजदूर न की औरत ज्यादा काम ले रही गैस से। कहते हैं लोग मोदी है तो मुमकिन है 56 का सीना है। मुमकिन है क्योंकि जाके सहारे जल्दी मर जाएंगे। अच्छा। जाके सहारे थे जल्दी मर जाओ गरीब, पहले मरता हो ना। मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है देश के। मजबूत हुआ मार के छोड़े को गारंटी थी, जो किसान ने डोल लेकर इंजन छोड़ रहा है ढीलो। कहते हैं डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। कौन ही मजा मारे भाई, डंका बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का। मोदी को डंका बज रहा है कि कम मरे कम मरे कम मरे, या बजक बात को बज रहा है। आपके अच्छे दिन नहीं आए, दाढ़ी बढ़ गई मोदी जी की? दाढ़ी बढ़ गई, आसाराम बाप हुआ है जी, और कचूना आसाराम बाप हुआ भैया जी। मोदी जी 7 साल के दौरान अगर काऊ को शासन आ जाइयो भैया, काऊ को शासन आ जाइयो, मैं तो जाओ भाषा बोलती हूँ भाई, मैं किसान आदमी हूँ। किसान तो ऐसी शासन काऊ को आ जाइयो रामदेव बाबा और जय आसाराम बापू जो प्रधानमंत्री बने हो बैठो का है, जिन्हें कहा तो को अड़ानी और अंबानी भाई को बन रहे ना बीज गोदाम बन रहे का गुण में जेल होगी जिंदगी अंत ना होनी, वहाँ में रखे जाएंगे नहीं सब जेल के आदमी और भी बिगाड़ लेंगे। किसान हमारे यहाँ के खुशहाल है, यूपी के किसान योगी जी कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हो भैया? योगी जी महाराज जी, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी तो खुद ही बिगड़े भाई, योगी जी कितने बने भाई बढ़िया है भैया, कहो गरीब की बेटी मर जाते का बलात्कार में, तो जो कहता है ये राजनीति पना रहे पनपा रहे जो सका विरोधी सका मुझे जा कह बारो। बताओ जी आजकल मंदिर निर्माण की बात चल रही है लेकिन घोटाला हो गया 18 करोड़ घोटाला सब है गो पूरो है गो, और घोटाला राम के नाम पर खाए जाएंगे देश है ये। हिंदू 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 और हिंदू कहवे के नाम से देश है खाए जाएंगे, जिनते ज्यादा गद्दार देश को कोई नहीं। ये चंदा चोरी कर ले आज कोई आदमी विरोधी लड़को या हम किसान आदमी कोई अगर नेक जाके खिलाफ बोल सका है तो क्या कहता है ये विरोधी है, पाकिस्तान से मिले हुए चीन से मिले हुए जिन्हें कहा वहाँ से फलाई जगह दे खानो आ रहा है जी आ रहा है, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो देशद्रोही तो जे ही जन की सजा होनी चाहिए। तो जी जो कोई बोलता है ना उसको जेल में डाल देते हैं उन लोगों को आजकल खिलाफ बोल। हाँ खूब डाल रहे हैं, मोर नाम पता जा बात को खूब डाल रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हर बात पे जेल में भेजो, हर बात पे देशद्रोही ना है सकत। कोई आदमी अपनी मन की भावना कह रहे हो तुम देशद्रोही को करार दे रहे हो तो मोदी जी के मन की बात सुनते हो आप? हम पहले तो सुनते हैं भैया, पर अब तो ये जाके तो पड़ाके बनाओ और फलाने काम करो, अब मोर फिर भैया गाई कर जाए या मटके बाबा जाना। आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ना? आत्मनिर्भर तो हम बन गए जब हमारे बालक पड़ाके चलेंगे और जूता घिसेंगे पॉलिश करेंगे पकौड़े चलेंगे
तो आत्मनिर्भर तो हम बन गए ना, लेकिन गैस से चाय राजनीति जी करेंगे, देश सब बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी बनेंगे, शिक्षा मंत्री जी बनेंगे, हमारे बाल पड़ोगे चलेंगे बन गए, और क्या होगा, हमारी खेती अम्बानी ले देंगे, वो सही कह रहा हूँ, अड़ानी अम्बानी जब खेती ले देंगे तो हमारे बालक पड़ाव की चलने पड़ेंगे। बुराई तो जीत कैसे जाते हैं ताऊ जी, है? जीत कैसे जाते हैं चुनाव? गद्दारी थे, देश के झूठ बोल के, पहले बोले 15 लाख हर खाते में आएंगे, खाते खुलवाओ, फ्री खाते खुलवाओ, 15 लाख हमें आ गई, देश ने मानी 15 लाख, भैया गरीब आदमी कब नहीं देखे, उन्होंने कही रहे गरीब आदमी 15 लाख रुपया मिल जाए वो ना गरीब आए गए ज्यादातर, 15 लाख मिलेंगे, रात भर बहू और आदमी दोनों बता रहे थे, एक भैंस देंगे, थोड़ा को ब्याह करेंगे, 2 लाख रुपया मुझे नौकरी लगवा देंगे, सपने तो देखते रहे, वोट पड़ गए सब नौकरी लग गए, सपने देखना क्या बुरा बात है? हाँ ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, आप पूरी रात यही तरीका देख ली हो कि 15 लाख मिलेंगे आपको, मिले कौन है का हुआ ना मिले, कोई बताओ भाई का हुआ मिले, बताइए आप कहते हैं कि कानून काला है, हम भी मानते हैं कानून काला है, उसमें तीन कोई ऐसा कानून में बता, अच्छा भैया को हमें सफेद का आएगा तुम बता दो, नहीं नहीं वही हम ना हम तुम्हें पूछ रहे हैं, सफेद का चीज है, अरे पूरी दाल की दाल का रही है, नहीं नहीं तुम दाल में काला है, सभी दाल का रही है पूरी, अब ये बीजेपी सरकार नई कानून बनाई है, जय बला रहा हूँ जय बला रहा हूँ, अब ये बीजेपी सरकार नई कानून बनाई है, ये किसान के जो खिलाफ मुद्दा है कानून है, जब ये कानून लागू है लेगी, खेती या गवर्नमेंट ले लेगी, सबको तुल राशन देगी, बनिया ब्राह्मण नाऊ नेगी, अरे तेली हो चाहे कुमार, नई कानून कोई जाति हो कोई हो, ठीक है, कानून खेती सरकार ही कब्जे में होगी, हमें मिलेगा काम, मेहनत करेंगे। बुजुर्ग मेरा साथ देते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए काफी है, इनका मान सम्मान मैं हमेशा रखूंगी, देखिए ये वो बंदा है, ये देखिए इनकी फेसबुक आईडी, ये देखिए इन्होंने रोका मेरे को, ये देखिए इनकी वो पोस्ट डली हो सकती है, देखिए भैया ये काफी पुरानी आईडी बनी हुई है, आप देख लीजिए, देखिए 6 जून 2020 की तो ये पोस्ट है, यही तो पूनम पंडित को देखो सुरक्षा की नियत से कि ये कहीं आरटीएक्स लेके तो नहीं घूम रही, ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, तो मेरी पूर्व सैनिक है, हाँ जी देखिए मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है, जितने भी किसान मोर्चा मंच में जितने भी संगठन है सभी से, देखिए अभी एक ऐसा व्यक्ति निकला, उन्होंने उनके पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संगठन के, उन्होंने उनको निरस्त कर दिया, तो अपने हाथों को भी यही बता दिया जाए कि बीजेपी के बंदे हैं, सुन लीजिए उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करके, जो उनकी यूनियन है जो पूर्व सैनिकों की यूनियन है, उन्होंने ही जांच पड़ताल करी है, उन्होंने ही उनको पद से हटाया है, अनुराग जी से मेरी बात हुई थी, मिश्रा जी हैं उनसे बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हटाया, हमने नहीं हटाया, हम तो अब पहुंचे उससे पहले हटा दिया, उनके ग्रुप में भी डला हुआ है, ठीक है, मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा के लिए आप बना रहे हो, देखिए हमारे बीच में घाघ भी घुसे हुए हैं, कितने दिन से उनको मैं देख रही हूँ, 4 चश्मे बढ़िया बढ़िया लगा के, गोल्ड टोपे लगा लगा के, मेरे देश के वासियों मेरे देश के साथियों वो कर रहे हैं, तो हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना, चाहे वो मैं भी हूँ चाहे वो आप भी हैं, सब पे ध्यान रखना, बाकी जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, धरेंद्र ताऊ की जो हरकत है उससे मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, ठीक है, पता नहीं किस वजह से उन्होंने ये कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ भाई, क्या कहते हैं।